भागलपुर में बढ़ते ठंड की शहर में चोरी और लूटपाट हत्याएं जैसी घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत करेला चौक पर दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक में अपराधियों ने बैंक लूटने का प्रयास किया था और बीती रात ज्वेलरी की दुकान लूटने का भी प्रयास किया। ताजा मामला मधुसूदनपुर थाना क्षेत्र के नूरपुर BRC के पंजाब नेशनल बैंक के पास का है। आधी रात बीतने के बाद चोरों ने कटर मशीन से ज्वेलरी की दुकान का पहला ताला तोड़ दिया। उसके बाद जैसे ही दूसरा ताला तोड़ने की कोशिश की, वो कर ही रहा था कि लोग जग गए, तभी चोर वहां से फरार हो गया। फिर मधुसूदनपुर थाना को सूचना दी गई, पुलिस घटनास्थल पर आकर छानबीन में जुट गई है। वहीं ये वाकया CCTV कैमरे में कैद हो गया है। हालांकि चोरों के मंसूबे पर पानी तो फिर गया, लेकिन सवाल ये उठता है कि लगातार अपराधी इस तरह के अपराध को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं, ये कहां तक सही है? सीधे तौर पर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे अपराधियों को शायद प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। वहीं दुकान संचालक ने बताया कि अगर हम लोग इस समय से नहीं जगा होते तो शायद हमारी दुकानों में चोरों ने बड़ी डकैती कर लाखों लाख की क्षति में मुझे डुबा दिया होता। दुकान का ताला तोड़ दिया। किस चीज का दुकान है? किस चीज का? हाँ, कटर लेके कटा हुआ है, लाइट वाला कटर था। किस चीज का दुकान है? सोना दुकान है। कहाँ पे? नूरपुर पंजाब नेशनल बैंक के पास। आपका नाम? राजेश कुमार। वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, ICU, HDU, OT, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI, NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।